हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आदिम जाति कल्याण विभाग यानी कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या रखा है, हमारा ये जो अपलोडिंग का कार्य होगा EWS वाला, वो 6 मार्च 2020 से 15 मार्च 2020 तक चलेगा। दोस्तों, ट्रैवल डिपार्टमेंट ने आपकी जो वैकेंसी डाली है, वो लगभग टोटल हमारी वैकेंसी है 2220 वैकेंसी पर ये भर्ती कराएगा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की, और पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि अनारक्षित वर्ग यानी कि जो ओपन वर्ग में जो लोग आते हैं अनरिजर्व में, वहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के आने वाले आवेदकों के जो पंजीयन है वो अपलोड करना हो रहा है, यानी पंजीयन करना हो रहा है। सबसे पहले तो टिक करना हो रहा है यस और नो का कि आप EWS की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते, और ये काम चलेगा 15 मार्च 2020 तक। उसके बाद 26 मार्च को एक लिस्ट जारी होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने लोग सिलेक्टेड हैं और कितने लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, और पहले चरण की जो काउंसिलिंग होगी विशेष शालाओं के लिए है, ये ध्यान रखिए, क्यों जो ट्रैवल के जो स्कूल्स होते हैं उन्हीं के लिए ये भर्ती हो रही है, ना कि शिक्षा विभाग में, ये भर्ती शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए नहीं है। और यहाँ पर आपको 30 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्टेड लोगों की सूची आएगी, जो चयनित होंगे वो उनके डॉक्यूमेंट अपलोड स्टार्ट हो जाएंगे होना, और शालाओं का जो चॉइस फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, जो भी नोडल्स या जो टीम बनाई जाएगी वहाँ पर हर जिले में। और उसके बाद है सत्यापन, जब आपका हो जाएगा फिर अंतिम सूची जारी होगी, जिसमें ये जितने लोग सिलेक्टेड होंगे डॉक्यूमेंट के आधार पर और हर तरह से, उनकी लिस्ट नई फिर से आएगी, और वहाँ पर वेटिंग लिस्ट और सिलेक्टेड लिस्ट दोनों फिर से जारी होगी मई में। और जो शेष विद्यालय में बचेंगे यानी कि जो स्कूल्स बचेंगे जहाँ पर लोग अपना ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग में ले लेते हैं, तो उनके लिए अलग से दूसरी चरण की काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी, और ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी मई में, ठीक है ना। तो वही trc.mponline.gov.in पर जाकर के आप आदिम जाति कल्याण विभाग में वहाँ पर पूरी लिस्ट दे सकते हैं, पूरा शेड्यूल जारी हो गया है और कब से कब तक क्या चलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट से कमेंट कर रहे थे कि हमने केवल एक ही स्कूल चूज किया है और हमारी प्रोफाइल लॉक हो गई है शिक्षा विभाग वाले स्कूलों में। तो मैंने MP ऑनलाइन में बात की और उन्होंने बताया है कि यदि आपने केवल एक ही स्कूल चयन किया है या 10 स्कूल चयन किए हैं और आपका उनमें से नहीं होता है, तो शिक्षा विभाग में आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग जहाँ भी हो रहा ना वहाँ पर वो कर दिया जाएगा, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रैंक के अनुसार शिक्षा विभाग आपको अपनी मर्जी से बस स्कूल दे रहा और कुछ नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन 100% यदि आप सिलेक्टेड लिस्ट में है तो ज़रूर हो जाएगा।